दोस्तों आज की शुरू में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके सिस्टम में ज्यादा नेट यूज हो रहा है और जल्दी खत्म हो जा रहा है, किसी 1 GB 10 GB जो भी है, 5-10 मिनट में 15 मिनट में पूरा खींच देता है, तो इसमें क्या सेटिंग करें जिससे आपका नेट कम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे सेटिंग बात करेंगे जिससे 4 सेटिंग करके अपने सिस्टम में जो नेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यूज तो इसमें हम 4 सेटिंग करेंगे। और इसमें क्यों होता है, ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे ज्यादा नेट यूज हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्या है, आपको जैसे नया सिस्टम लेते हैं, इसमें नया सिस्टम लेने के बाद किसी को विंडो 10 डाला देता है, इसमें नया जो है 7 जिसे है 7 में कम लेता है और 10 डाला रहता है, इसमें क्या है नेट बहुत जल्दी खींचता है। अगर 9, 10, 11 AM है सब ज्यादा नेट यूज होना चालू हो जाता है। इसमें क्या है, तो जो विंडो है, विंडो क्या होता है, जो आप नेट और कनेक्ट करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट होना चालू हो जाता है। किसी का जैसे सॉफ्टवेयर है इसमें ऑनलाइन जो चलता रहता है वो अपडेट होना चालू हो जाता है। ये बहुत सारा जो है सेटिंग रहता है, इसमें हम बंद करेंगे, कैसे ऑन ऑफ करना है, क्या करना है, इसके बारे में देखेंगे। तो 4 सेटिंग करना है आपको सिस्टम में। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में आना है और यहाँ पर सबको सर्च कर लेना है, सर्च में विंडो पर। ठीक है, सर्विस सर्विस करके यहाँ पर टाइप करेंगे। सर्विस पर क्लिक करने के बाद को यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर सामने मिल जाएगा सर्विस एप्स। ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज पर आपको एक सेटिंग करना है। ठीक है, जिसे यहाँ पर ओपन होने लगेगा, हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे। आपको नेट कनेक्ट कर लेना है पहले। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। और नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पर देखा विंडो अपडेट। ठीक है, विंडो अपडेट लिखा हो गया है, यहाँ पर लिखा है विंडो अपडेट, इसको आप राइट सेट करके यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबको इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सबको क्या करना है, ये टाइप वाले में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डिसलेबल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सबको रहेगा, इसको आपको डिसलेबल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास ओके कर देना है। ठीक, ओके करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से अपना विंडो ओपन कर लेना है। ठीक है, विंडो ओपन कर लेना है यहाँ पास और सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पास सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा सेटिंग का। इसमें आप क्या करना है, हम बैकग्राउंड, इसमें जो बैकग्राउंड को जो सॉफ्टवेयर होता है जो भी, इसमें हमको उसको ऑफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, ये वाले में आपको, इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पास लिखा होगा बैकग्राउंड एप्स। ठीक है, आपको यहाँ पास ये लिखा है बैकग्राउंड एप्स, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ये ठीक है, ऑफ हो गया है। ऑफ करने के बाद आपको फिर से यहाँ बैक कर लेना है। ठीक है, बैक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पास क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास योर सेटिंग लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसमें आपका जिसे ऑन रहेगा इसको आपको क्या करना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, जिसे मेरे में ऑफ है पहले से तो ऑफ ही है। ठीक है, इसमें ऑन रहेगा किसी का तो किसी आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करके इसके बाद आपको चौथा सेटिंग करना है। आपको अपना नेट कनेक्ट कर लेना है और नेट कनेक्ट करके यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास क्लिक करेंगे, पहले नेट कनेक्ट कर लेना है यहाँ पास। ठीक है, उसके बाद आपको राइट साइड क्लिक करके यहाँ पास इसमें क्लिक करना है। एक सेटिंग ओपन आ जाएगा जिससे कि आप सेटिंग का पेज आ जाएगा, यहाँ पास क्या करना है, ये ठीक है, जिसके इसमें आपका नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर सबको ऑफ कर देना है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको ऑफ कर देना है, ये सेटिंग आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके बाद नेट आपका यूज होना कम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सेटिंग को आपको ऑफ कर देना है, जो भी डिसलेबल कर देना है ये प्रोसेस। इसके बाद आप नेट कनेक्ट करके देखेंगे तो आपका नेट यूज कम होने चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिंग है इसका सेटिंग करने का। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।